एसएससी एमटीएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसका जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है वो है 31 जुलाई 2024। तो आपको अपना जो फॉर्म है वो 31 जुलाई 2024 से पहले फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस वीडियो में जो है मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, फिर जो है वो क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट जो है वो आपकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है 31/7/2024। इससे पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। वैलिडिटी की बात करें तो आपका जो है वो एससी और एसटी सर्टिफिकेट, एससी की अगर बात करें तो एससी सर्टिफिकेट जो है वो यूजुअली अगर फॉर्मेट मैच कर रहा है तो पुराना से पुराना सर्टिफिकेट हो वो आपका वैलिड होगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूंगा, और ये कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे बनवा सकते हो, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होने पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोविजनल और क्लियर का खेल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस और कुछ बोनस टिप्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि जो है वो पूरी जानकारी आपको मिल पाए अगर आप जो है वो एससी सर्टिफिकेट के बारे में जानना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप जो है वो सर्टिफिकेट, ये जो एसएससी की नोटिफिकेशन है इसमें अगर आप क्लॉज 7.4 में आओगे तो यहाँ पे जो है वो क्लियरली मेंशन है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31/7/2024 के बाद बना होना चाहिए ताकि आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सॉरी 31/7/2024 से पहले बना होना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका सर्टिफिकेट 31/7/2024 से नहीं पहले नहीं बना हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है और आपको जो है वो प्रोविजनल भी दिया जा सकता है। तो आप कोशिश करें कि अपना सर्टिफिकेट 31/7/2024 से पहले बनवा लें। हार्डली जो है वो आप अगर किसी भी केस में नहीं बन पा रहा है तो आप जो है वो 1 महीने तक का या 3 महीने तक का एक्सटेंड ले सकते हो, लेकिन बाद में अगर 3 से 6 महीने से ज़्यादा का पुराना सर्टिफिकेट होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो अब अपने पुराने जो है वो बात पे लौटते हैं। तो देखो आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट से पहले बना होना चाहिए, मैंने बता दिया। इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्रूशियल डेट मैंने आपको बता दिया है, वैलिडिटी यूजुअली मैंने आपको बता दिया है कि सर्टिफिकेट की यूजुअली अगर फॉर्मेट मैच कर रहा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मेट दिखा देता हूँ मैं आपको कि फॉर्मेट कैसा होता है। तो आप यहाँ पे आप देखो, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप इनके वीडियोज़ देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पर भी जा सकते हो, आचार प्रसाद ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पर आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, और इनकी जो वीडियोज़ होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है जो कि काफी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहां पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार जरूर देखना, नाम याद जरूर कर लो, आचार्य प्रशांत। कि ये जो है वो एक पेज का सर्टिफिकेट रहता है फॉर्मेट, और ये एससी और एसटी दोनों के लिए है। लेकिन अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो इसमें एससी की चीज़ें रहेंगी और एसटी की चीज़ें नहीं रहेंगी, तो वो सभी ऑफिस में होता है, आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही एक पेज का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, और यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे एक जो है वो एससी के कैंडिडेट का जो है वो सर्टिफिकेट का मैंने आपको सैंपल लेके दिखाया है। तो ये काफ़ी पुराना सर्टिफिकेट है, 2020 का सर्टिफिकेट है, लेकिन आपका भी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही रहेगा। और इसमें जो है वो डिजिटली साइंड रहेगा तो QR कोड ये सभी रहता है, और ऑफिस का सील है तो भी चलता है, तो आपको उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वहीं अगर आप देखोगे कि अगर आपके सर्टिफिकेट का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश या हिंदी रहे तो ज़्यादा सही है, और रीजनल भी रहता है तो कई बार प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश या हिंदी रहे तो कोई भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप कि आपको जो है ये सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो, तो उसके लिए आप सर्कल ऑफिस या फिर आप ब्लॉक में या फिर आप तहसील में, इन तीनों जगहों से आप जो है वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो है वो अपना सीट से हाथ धोना पड़ सकता है, आपको मिली हुई जॉब भी खो सकती है। तो इसको सीरियसली लेना है, वरना बाद में आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोविजनल एंड क्लियर का क्या खेल होता है कि कई बार आपकी सर्टिफिकेट जो है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आपको प्रोविजनल दे दिया जाता है कि न्यू सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो इसलिए जो है वो आपको इस चीज़ों को भी समझना है। और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इसलिए है क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है वो स्टेट गवर्नमेंट की अलग होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग होती है। तो ये जो एसएससी एमटीएस का जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो इसलिए आपको जो है वो सर्टिफिकेट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के फॉर्मेट के हिसाब से रखना होगा। अगर आप जो है वो स्टेट गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट प्रोवाइड करोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ बोनस टिप्स आगे मैं वीडियो में आपको दे दूँगा। सो आई होप कि आपको जो मैक्सिमम बातें हो सकती थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन के लिए आप जो है वो यहाँ पे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट बुक ऐप से। यहाँ पे जो है वो टोटल आपको 692 टोटल टेस्ट देखने को मिल रहे हैं, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और
यहाँ पे जो है वो आपके लिए देख सकते हो कि अच्छा खासा इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। अराउंड 1,26,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो आप जो है वो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आप प्रिपरेशन कर पाओगे। इसमें जो है वो टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या क्या मिलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चैप्टर वाइज टेस्ट तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही जो है वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट जो है वो अभी 16 दिखाई दे रही है, लेकिन बाद में ये इंक्रीज़ हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ कि टोटल टेस्ट की, तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। प्रीवियस ईयर पेपर्स की अगर मैं नंबर बताऊँ, तो देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आप देखोगे कि टोटल जो है वो 158 PYCT लिखा हुआ है, और प्रीवियस ईयर पेपर टोटल 252 टेस्ट लिखा हुआ है। और ये 2023, 2022, 2021 और पीछे जितने भी सारे एग्जामिनेशन हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा है आपके लिए टेस्ट बुक ऐप से, आप इसका लैपटॉप पे भी जो है वो टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और साथ ही में जो है वो आप इसे फ़ोन में भी दे सकते हो। और यहाँ पे आप SSC की जितनी एग्जामिनेशन होती है उन सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो एक बार इसका जो है वो सब्सक्रिप्शन लेकर। तो इसकी जो पास की प्राइसिंग होती है वो मैं अगर आपको बता दूं, तो टेस्ट सीरीज़ देने के लिए आपको इसका पास परचेज़ करना पड़ेगा, और इसमें जो है वो लाइफ टाइम 3 ईयर्स का पास आपको मिलता है 629 रुपीज़ में। इसकी प्राइसिंग चेंज होते रहती है, लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूँ जिसको अप्लाई करने के बाद आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है JBYY16। इस कूपन कोड को आप अप्लाई कर दोगे तो आपको जो है वो फ्लैट 10-20% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और फिर आप अपना जो है वो पास परचेज़ कर सकते हो। पास परचेज करने के बाद आप SSC, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज, रेलवे, जितनी भी एग्जामिनेशन है सभी के लिए टेस्ट सीरीज दे सकते हो एक बार पास परचेज कर कर। तो आप जो है वो कूपन कोड को अप्लाई करें और पास परचेज करने के बाद अपना सब्सक्रिप्शन एक्टिव करके तैयारी कर सकते हैं।